लेक्चर नंबर 8 उर्दू ए क्लास 5। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नज़्म हम्द का शेर नंबर 2 करेंगे। आप लूज शीट प्लान कर लें जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बच्चों, आपने सबसे पहले शेर नंबर 2 लिखना है मार्कर की मदद से और डबल लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पेन की मदद से अब आप शेर लिखेंगे। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। अब आप तशरी लिखेंगे। इस शेर में शायर कहता है कि ऐ अल्लाह तेरी ज़ात इतनी अजीम आला मर्तब बुलंदो बाला है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी अक्ल और समझ इतनी महदूद है कि हम तेरी बड़ाई और अजमत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपने शेर लिखना है। तो दिल में तो आता है समझ में नहीं, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं, मैं जान गया तेरी पहचान यही है, मैं जान गया तेरी पहचान यही है। बच्चों उसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। मैं एक बार और शेर और उसकी तशरीह की पढ़ाई कर देती हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको चेक कर लें कि क्या आपने ठीक लिखा है। शेर नंबर 2। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। उसके बाद तशरीह लिखेंगे। इस शेर में शायर कहता है कि ऐ अल्लाह तेरी ज़ात इतनी अजीम आला मर्तब बुलंदो बाला है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी अक्ल और समझ इतनी महदूद है कि हम तेरी बड़ाई और अजमत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लास्ट में शेर लिखेंगे। तो दिल में तो आता है समझ में नहीं, मैं जान गया तेरी पहचान यही है। फिर आप पेंसिल की मदद से एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। बच्चों 5 क्लास, आज हमने शेर नंबर 2 और उसकी तशरीह की है। आपने इसको अच्छी तरह से याद करके लूज शीट पर इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी अम्मी या बाजी को चेक करवाना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।